बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। 1 लाख रुपए लेकर दुल्हन परिवार सहित हुई रफू चक्कर, दूल्हा पहुंचा थाने। पुलिस ने मामला लिया जांच में। राजपुर थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। धर्मपुरी जिला धार से आई बारात जब दुल्हन के घर पहुंची तो सभी नादारद थे। हड़बड़ाए दूल्हा थाने पहुंचा, जहां आवेदन देते हुए उसने बताया कि माया रमेश नामक युवती से उसकी शादी आज होना तय हुई थी। वहीं समाज की रीति रिवाज के अनुसार युवती के परिजनों को 1 लाख रुपये नकद भी दिए। और आज जब ब्याह करने दूल्हा बारात लेकर आया तो दुल्हन ने उसका परिवार गायब हो गया, जिसको लेकर आवेदन थाने पर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आवेदन लेकर मामला विवेचना में लिया है। वहीं जांच के बाद आगामी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों दूल्हे के द्वारा 1 लाख रुपए परिजनों को शादी के नाम पर दिए थे। जब आज बारात आई तब 1 लाख रुपए लेकर दुल्हन परिवार समेत रफू चक्कर हो गई। वहीं दूल्हा इसकी शिकायत लेकर राजपुर थाने पर पहुंचा है। क्या नाम तेरा? गोलू। गोलू कहाँ से आया? धामनो से। काहे के लिए आया थाने पर? लड़के वाले भग गए। क्या बारात लेके आया था तू आज? हाँ, बारात लेके आया। कितने पैसे लेते इधर से? एक लाख रुपए। हाँ। किसके मार्फत दिए थे पैसे? वो कालू के। कालू कहाँ रहता है? क्या बेड़ी पे इनका है? हट बेड़ी पे। हाँ, हट बेड़ी। क्या थाने में क्या आवेदन दिया फिर आप? हाँ। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने लड़की देखने कब आया था तू यहाँ? लड़की देखी थी कि नहीं देखी थी? हाँ, देखी थी। नहीं, किसने देखी थी? कालू ने देखी थी। हाँ, उसने देखा। उसके बाद 1 लाख में तय हुआ सौदा। हाँ। और आप बारात लेके आया तो क्या हुआ? भाग गए वो घर छोड़। घर छोड़ के भाग गए। हाँ। भरत सिंह पिता शंकर वानकर है, अमंदा पुनर्वास धर्मपुरी का। इन्होंने माया भाई राकेश कालू के खिलाफ एक आवेदन दिया हुआ है कि इनका जाति रिवाज अनुसार 1 लाख रुपए में शादी तय हुई थी। आज ये लोग बारात लेकर आए तो लड़की और उसके परिवार वाले घर से गायब है। उन्होंने इसके संबंध में एक लिखित आवेदन थाने दिया है, जो अभी जांच में लिया गया है।